इंजा को खानी है आइसक्रीम और इंजा रो रही है कि मम्मा मुझे आइसक्रीम दिला के लाए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आए हाय, गर्मी बहुत हो रही है, यहाँ का मौसम भी समझ में नहीं आता, कभी गर्मी कभी सर्दी। और बकरियों का टोला चला आ रहा है सामने से, अब मैं मुर्गा बांग देते हुए। सुबह हो चुकी है जी, लोगों ने अपने कंबल निकाल के फैलाने शुरू कर दिए, क्योंकि यहाँ मौसम का कुछ पता नहीं है, कभी आज गर्मी है तो कल सर्दी है, बस यही चल रहा है। और बाकी अल्लाह पाक सब पे रहम करम करे, डेंगू की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो उसके लिए एहतियात करें। और उसकी सबसे अच्छी एहतियात ये है कि घुटनों से लेके टांगों के पंजों तक नारियल का तेल लगा के फिर आप सोएं, और तेल लगा के रखें, क्योंकि डेंगू जो है वो पिंडलियों पे घुटनों से नीचे नीचे असर करता है, ऊपर उसका असर ज़ाहिल हो जाता है, तो इसलिए उस पर खोपरे का तेल लगाएं। और मुर्गा बांग पे बांग दे रहा है और मैं सुकून से यहाँ पे बैठी हूँ, इनको मुर्गियों को चावल डाल रही थी, चावल बच गए थे तो मैंने कहा इनको चावल डाल दूँ तो ये चावल खा लेंगे। और ये खोद खोद के लगी पड़ी है, कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए। चलें यार, मेरी ये समझ में नहीं आता, ये गोल गोल बीच में कब्र के साइड में पता नहीं क्या चीज़ है, जैसे कि कोई मटका उल्टा हुआ हो या क्या, ये जो पेड़ के साथ आप देख रहे हो ऊपर लटकन टाइप भी लटक रही है, उसके नीचे पता नहीं क्या चीज़ है ये, इसका मुआयना करना पड़ेगा जाके कि ये है क्या चीज़। चलो भाई, अब हम चलते हैं, घर की सफाई वगैरह में लगे, काम काज करें। वैसे तो ईशल बहुत सपोर्ट करती है सफाई वगैरह में, लेकिन ये कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, फिर भी करना पड़ता है, लेकिन वो अपने से बहुत अच्छा करती है, बहुत ज़्यादा संभाल लेती है, अच्छा खासा घर मेरा हाथ बटाती है। अब हम बनाएंगे जुनैशा के लिए पराठा, इसको खाना पराठा। और ये बकरियां यहाँ तक आ गई हैं, चलिए बनाते हैं पराठा। अब हम बना रहे हैं जूनी के लिए पराठा, और जूनी को पराठा पसंद है जिसमें बहुत सारा घी, वो बोलती है कि मुझे बहुत सारा घी वाला पराठा दे, और मेरी आवाज़ जो है नज़ले की वजह से हो चुकी है बहुत ज़्यादा ही ख़राब, और मैं बनाती हूँ ज़्यादातर चकोर पराठे। ये हो गया, पहले ऐसे ले लेंगे, फिर ऐसे, फिर इनके तमाम कोनों को प्रेस करेंगे ताकि ये मोटे मोटे हो जाए। प्रेस करने के बाद हम डालेंगे पराठे की बैक साइड पे पहले घी, और उसको पहले हम पीछे से सेकेंगे, फिर हम डालेंगे इसके ऊपर घी, ये
हम चारों साइड से ऐसे सेकेंगे, ये पराठा बिल्कुल सिक जाए। ये तवे पे मेरी उंगली चिपक गई। अच्छा जी, अब लगा रहे हैं दस्तरखान। हम ये करते हैं पराठा बना। नैशा बेगम पहले दिन स्कूल जाते हुए, चलो भाई बहुत ऐश कर लिए सजो। इसमें जाएंगी कितनी काली मिर्च, एक चम्मच समझ लो। मुझे काली मिर्चों का फ्लेवर बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा ही डालती हूँ। ये जाएगा, फिर इसमें जाएंगे लहसुन के जवे चार पांच। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और फिर इसको कर लेंगे ब्लेंड। अब हमने रखा ऑयल गरम पे, इसमें जाएंगे साबुत गरम मसाले, दालचीनी, दो से तीन अदद लौंगे, काली मिर्चें, और जीरा। अब उसके बाद जब इस मसालों की खुशबू निकलने लगे, गरम मसालों की, और ये हो जाए, तो फिर हम इसमें डालेंगे मसाला जो हमने ब्लेंड किया था। ये ज़्यादा बारीक भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा मोटा मोटा रखेंगे। भूनेंगे बस ज्यादा नहीं, फिर इसमें डाल देंगे मटर। मटर को धो लिया अच्छे से, क्योंकि ये छिले हुए मटर थे तो इन पे केमिकल होता है, तो उनको बहुत अच्छी तरह धो लेना चाहिए। मटर इसमें थोड़ा सा जाएगा पानी और नमक, फिर हम इसको लगा देंगे दम पे मटर गलने तक। ये मटर तकरीबन हमारा बराबर से पतीली गिर गया। ये मटर तकरीबन हमारी हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे चावल, ठीक है। अब हम इसमें डालते हैं चावल और तीन से चार अदर ये साबुत हरी मिर्ची डालेंगे हम इसमें चावल डालने के बाद। ये गए इसमें चावल, पानी का हिसाब इसमें वही रखेंगे जो मैंने बताया था। एक फिंगर तक ये बस, और इसमें ये डाल देंगे हरी वाली मिर्चें और बनाते हैं चावल। चुप हो जाइए, ये ली है हमने रेड वाली मिर्चें, लाल और ये सर्दियों में ही आती हैं, यहाँ मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो इसलिए यहाँ आने लगी हैं ये, और बहुत नाजुक होती हैं ये। इनको पानी में तो बिल्कुल गीला नहीं करें, इनको धोने के बजाय इनको कपड़े से साफ करें फिर यूज करें, और पहले इसको सुखा लें थोड़ा सा, एक दिन धूप लगा लें हल्की फुल्की सी, ताकि इनका मॉइस्चर जो है ना
वो निकल जाए। और फिर इनको साफ कर लें। मैं इसकी बनाने जा रही हूँ चटनी, तो इसके लिए मैंने लिए रेड वाली मिर्चे और हम ये लेंगे लहसुन के चवे 4 से 5 अदद। एक दो और दे दो ईशल। इसको डालेंगे मटर में, इसमें डालेंगे थोड़ा सा इमली का पानी, जरा सा ज्यादा नहीं, ऊपर से नींबू भी नहीं छोड़ सकते हैं इसमें। ये खोलो ईशल, और ये जाएगा इसमें जीरा। बस इसको हम कर लेते हैं ब्लेंडर में ब्लेंड। ये चटनी हमारी हो चुकी है और इधर हमने डाला 2 चम्मच ऑयल और इसको किया है गरम। इसमें जाएगी ये चटनी। और इसका हम पानी सूखने तक इसको भून लेंगे। इसमें डालेंगे नमक और फिर इसमें ऊपर से थोड़ा सा लेमन निचोड़ेंगे। अच्छा जी, अब देखें कि इसका पानी ड्राई होने लगा है बिल्कुल। अच्छा, अगर आपके पास ये वाली लाल वाली मिर्चें ना हो तो आप काली, सॉरी काली भाई, लाल वाली साबुत मिर्चें जो सूखी भी होती हैं, लाल साबुत गोल वाली मिर्चें, आप उनसे भी ये चटनी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही वाली फ्रेश लाल मिर्च आप लें, ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ मिल रही तो कहीं और भी मिले, इसलिए आप दूसरी वाली लाल मिर्च ले सकते हैं। और ये तकरीबन हमारी ये भुनी भुनी सी चटनी तैयार हो रही है। जब ये बिल्कुल पैन छोड़ देगी ना, ये जब बिल्कुल साफ सुथरा आने लगेगा चमचा चलाने के बाद, ये चटनी हमारी हो जाएगी रेडी। और सब बच्चे खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, क्योंकि मिर्चों की जो धांस है वो पूरे में फैली हुई। ये जी हो गई है, गाजर का हलवा भी लग रहा है वैसे। ये चटनी हो गई हमारी रेडी। अब इसमें जाएगा लेमन। इसमें लेमन दिया, तो कर लेंगे लेमन के साथ मिक्स। और आग आप देखें सामने कैसे लग रही है भाई। और जी बस ये हमारी चटनी हो गई है रेडी। चूल्हा कर देते हैं हम बंद, थोड़ा सा और निकल लें। चलें जी, अब कर देते हैं भाई चूल्हा बंद। अब इसका सारा मॉइस्चर जो है खत्म हो गया और ये बन गई है ड्राई ड्राई सी चटनी मटर पुलाव के साथ खाने के लिए। चलो भाई, चूल्हा हो गया अब बंद। ये हो गई है चटनी हमारी रेडी। अब निकालते हैं पुलाव और देखते हैं पुलाव की क्या सूरत हाल है। तो जी, ये मटर पुलाव भी हमारा हो गया है रेडी। और इसको भी निकालते हैं हम डिश में।
गर्मा गर्म मटर पुलाव और ये रेड वाली चटनी अब हम खा जाते हैं और खाते हैं खाना। इंजा को खानी है आइसक्रीम और इंजा रो रही है कि मम्मा मुझे आइसक्रीम दिला के ला। ये देखे हिंजा, हिंजा दिखा दो हिंजा, ओ हिंजा रो रही है, बस हिंजा को आइसक्रीम चाहिए। हिंजा मुन्नी, अब हिंजा निकली है आइसक्रीम लेने। हिंजा इधर देखिए मुन्ना, हिंजा जब से रो जा रही थी कि मुझे बस आइसक्रीम चाहिए। क्या दिला दूं? चौक बार। अच्छा चलो, अभी तुम इतनी तेज तेज भाग भाग के जा रही हो, फिर कुत्ता आएगा ना तो पता लगेगा। जाते हैं इनको आइसक्रीम दिलाने। रुको देखें, ये गई थी चौक बार लेने और लेके ये कौन सी आइसक्रीम आई। हिंजा हिंजा है जेट स्पॉट। चलो इधर तो देखो, अच्छी आइसक्रीम। हिंजा फिर भागी। हिंजा एक टांग उछाल के कैसे चलती है, चल के दिखाना भाग के कैसे भागती है। ओ मेरे बच्ची की चप्पल ही उतर गई। छोनू मेरा आइसक्रीम खाता खाता जा रहा है छोनू। चलिए जी, तो अब इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। हमारे घर में चूहा घुसाया एक और हम इस चूहे की 1 2 3 डैश करने के चक्कर में लगे पड़े हैं। अब मिलते हैं आपसे कल। अल्लाह हाफिज़।